राधे राधे जी, नमस्कार। रीटा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांबर, इडली और चटनी साथ में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमने एक घिया ले लिया है और चने की और अरहर की दाल को हमने आधी कटोरी लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हमने घिया को इसमें डाल दिया है कुकर में। दाल को हम अच्छी तरह धो लेंगे। अब हम दाल भी कुकर में डालेंगे। अब हम पानी डालेंगे 2.5 गिलास, आधा चम्मच हल्दी और आधे 1 चम्मच नमक। अब इसमें हम कम से कम 5 सीटी देंगे। अब हम नारियल की चटनी बनाएंगे। नारियल को मिक्सी में डालेंगे। कच्चा नारियल भी ले सकते हो आप। ये भुने हुए चने हैं। अगर आप पे भुने हुए चने ना हो तो आप बूंदी भी ले सकते हो दही वाली। आधा चम्मच हमने वाइट नमक डाला है और कुछ हम इमली का पानी डालेंगे। हमने इमली भी पानी में पहले ही भिगे के रख ली थी। अब हम इसको मिक्सी में करेंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करें। अब इसमें हम थोड़ा सा टाइट है पानी डालेंगे। अब ये हमारी बनके देखो कितनी अच्छी लग रही है, तैयार भी हो गई है। हमने थोड़ी सी इमली बच गई थी, हम सांभर में डालेंगे। अब सांभर का मसाला बनाएंगे। 1 कड़छी हमने ऑयल की डाली है, आधा चम्मच राई का डाला है, अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ कलियां कड़ी पत्ते की डाल देंगे। कड़ी पत्ता हमारा अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम 2 प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। अब इसको हल्का ब्राउन करेंगे हम। अब हम 3 टमाटर लेंगे। टमाटर का हमारे प्याज भून गए, हमने टमाटर को डाल दिया। अब जो इमली बची हुई थी हमने उसमें पानी डाल के हम सांभर में डालेंगे। उससे हमारा सांभर खट्टा बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है इमली के पानी से। अब हम आधा चम्मच और नमक डालेंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाला था, आधा और डालेंगे। आधा चम्मच मिर्च लाल, आधा चम्मच हल्दी, और 1 फुल चम्मच हमने पाव ये सांबर मसाला डालना है। अब हम अच्छी तरह इनको भूनेंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ेगा। अब हमारा घी छूट गया है, अब आप सांबर में डालेंगे। सांबर को थोड़ी सी देर हम गरम करेंगे अच्छी तरह एक बार और, क्योंकि हमने पानी डाला था थोड़ा सा इमली का। हम थोड़ी देर के लिए सांबर को रख देंगे। 5 मिनट में ही हमारा सांबर तैयार है। देखो कितना अच्छा कलर आया है। अब हमने रवा लिया है 1 कटोरी। आप सूजी से भी बना सकते हो, 1 कटोरी आप वही सूजी की ले सकते हो। हम लस्सी से इसको बैटर बनाएंगे। आप दही से भी बना सकते हो अगर आप पे दही है। मेरे पास लस्सी थी तो हम लस्सी से बनाएंगे। रवे को कम से कम हमको आधा घंटा भे के रखना पड़ता है। अगर सूजी हो, सूजी में फास्ट दही डाल के तभी साथ ही बना सकते हो, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। रवा थोड़ा टाइम लेता है। अब हमारा आधा घंटा हो गया, रवा फूल गया है। अब रवे में हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 पैकेट इनो का डालेंगे। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हम अच्छी तरह देखो हमारा कितना बैटर फूल के और भी ज्यादा हो गया है। इनो से हमारा और भी फ्लफी हो गया है। अब हम इडली बनाएंगे। हमने इडली स्टैंड ले लिया है।
अभी हम इडली के स्टैंड में थोड़ा सा ज़रा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये इडली नीचे नहीं चिपके। अब हम एक करछी डालेंगे सब स्टैंड में, ऐसे करके हमने सारे स्टैंड में बैटर को डालना है। अब हम कुकर में रखेंगे, कम से कम कुकर को 15 मिनट हमने गैस पे रखना है। देखो हमारा सांभर इडली बनकर तैयार हो गया है। राधे राधे, नमस्कार।